नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि विज। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते शहरी क्षेत्रों के लोग निजात पाने के लिए पहाड़ों की ओर रुक कर रहे हैं। इनमें से एक बेहतरीन बॉलीवुड कलाकार, मशहूर कॉमेडियन संजय मिश्रा इन दिनों सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे हैं। हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा से बातचीत करते हुए उन्होंने पहाड़ आने की वजह भी बताई है। आइए जानते हैं क्या कहा बॉलीवुड कलाकार ने। तो आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के एक कॉमेडियन स्टार जो इस वक्त सरोवर नगरी नैनीताल में आए हुए हैं। बता दें कि इनके द्वारा काफ़ी सारी फिल्में की गई हैं और आज वो सरोवर नगरी नैनीताल आए हैं, तो आज जेजेएन की टीम उनके पास पहुंची है और उनसे बातचीत करेगी। सर, आपको नैनीताल में आके आज कैसा लगा है? नैनीताल में शुरू से आता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा है और एक बेहतर जगह है। और इस बार नैनीताल बिल्कुल अलग लगा है क्योंकि ये लॉकडाउन में मैं आया हूँ। लोग बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ और अपने मर्यादा को जानते हैं कि भाई 10 बजे के बाद शांत हो जाता है, क्योंकि सुबह आप अपने काम वाम की चीज़ों को, जो चीज़ चाहिए आप उसकी शॉपिंग करके चुपचाप अपने घर में हैं, तो ये थोड़ा बेहतर मतलब अच्छे लगे नैनीताल का। इस बार टूरिस्ट नहीं है ज़्यादा, यहाँ के लोकल सब लोग हैं, तो अच्छा लगा, नैनीताल बेहतरीन है। सर, एक दूसरी बात यह है कि आपको पहाड़ी इलाकों से काफ़ी लगाव है क्योंकि आपकी शादी भी जो हुई है वो डीडीहाट में हुई है, आपकी वाइफ जो है वो डीडीहाट की है। अब पहाड़ से लगाव था और तकदीर ने ला करके पहाड़ को अब घर ही बना दिया है, तो मैं पिछले लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अपने बच्चों को यहाँ भेज दिया था, क्योंकि यहाँ बम्बई जैसा या दिल्ली जैसा मेट्रो सिटी जैसा चक्कर नहीं है कि एक फ्लैट में आप अपने आप को। यहाँ मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, 7 साल की है लम्हा और 11 साल की पल, तो वो लोग सीढ़ियों से उतरना, इधर उधर जाना, साइकिल चला के घूम के आ जाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत जो उनको बम्बई में नहीं मिल पाती हैं। सर, हमारे दर्शकों के लिए इस बार क्या नई चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे दर्शक हैं जो कॉमेडी को लेके काफ़ी पसंद करते हैं, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, तो इस बार हमारे दर्शकों के लिए क्या नई चीज़ें आ रही है जो काफ़ी समय से वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं? कॉमेडी में मेरी फिल्म आएगी, रोहित शेट्टी की सर्कस आएगी और बच्चन पांडे आएगी, और जो मैं सीरियस दूसरे टाइप्स के रोल करता हूँ उसमें ग्वालियर है, डेथ ऑन अ संडे है, होली काउ है, काफ़ी पिक्चरें हैं लाइन में हैं मेरी अभी। सर, कोविड को लेके क्या कहना चाहेंगे पूरे देश के लिए और नैनीताल शहर के वासियों के लिए? कोविड एक ऐसी चीज़ हमारे ज़िंदगी में आ गई है, पूरे देश में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी चीज़ आ गई है कि इंसानियत ने कभी ऐसा कुछ टैकल किया नहीं था लाइफ में, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि आपस में ही दूरी बनाना होगा। और खैर, इस साल तो काफ़ी सारे डेथ भी हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये हम सब के जीवन में पहली बार ऐसा कुछ, ऐसी कोई बीमारी आ गई है जो कि मतलब हर तरफ है। तो बस इससे यही कहना होगा कि आप जब तक बच सकते हैं बचे रहिए, दूरी मेंटेन कीजिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें जब तक इसका भी असर है। तो कोविड को सबको मिलकर टैकल करना पड़ेगा, सरकार के लिए भी बहुत नई चीज़ है ये, क्योंकि सारे काम वाम छोड़ के सब लोग कोविड पे ही लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी और हम जनता भी। तो कोविड एक चीज़ है जो अभी है, कुछ दिनों बाद चली जाएगी, फिर होगी ज़िंदगी नई शुरू, सारे काम वाम रुके हुए हैं, हर तरह के काम रुके हुए हैं। तो ये थी नैनीताल से हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।